सिंगाना में पुलिस का सुझाव संग्रहण अभियान के तहत हुआ कार्यक्रम। सिंगाना के निजी गार्डन में आज जिला एसपी श्याम सिंह की अध्यक्षता में विजन 2030 अभियान को लेकर सुझाव संग्रहण अभियान का आयोजन हुआ, जिसमें ग्रामीणों के साथ सीएलजी मेंबरों ने सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान सिंगाना की देव कोचिंग क्लासेज व देव नर्सिंग सेंटर के विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। संचालक हंसराज गुजर ने बताया कि भविष्य में बेहतर पुलिस कैसी हो, इसको लेकर सुझाव बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें एक प्रपत्र भरकर पुलिस के लिए सुझाव दिए गए। इस मौके पर बुहाना, सिंगाना, पचेरी सहित थाना अधिकारी, पुलिस कर्मी व ग्रामीण जन मौजूद रहे। आज राजस्थान विजन दस्तावेज 2030 के संबंध में पुलिस विभाग के बारे में नागरिकों से या कैसी से पुलिस मित्र सुचा शक्ति ग्राम व्यापार मंडल आप इवन मीडिया के बुंदों से भी और जो भी गणमान्य नागरिक है उन सबसे हम ये सुझाव मांग रहे हैं कि 2030 में आप यहाँ की पुलिस कैसे देख रहे हैं। अच्छा अनुभव रहा, आप उन लोगों ने सबने बढ़ चढ़ के भाग लिया, अपने सुझाव लिखित में दे रहे हैं, ऑनलाइन भी दे रहे हैं, हमारे पुलिस के कार्मिक भी उन्होंने अपने सोसाइटी से ऑनलाइन सुझाव दे रहे हैं। सुरक्षा विजन 2030 के बारे में कार्यशाला का आयोजन हुआ, वहाँ पे मैं हंसराज गुजर देव कोचिंग एवं देव नर्सिंग क्लासेस सिंगाना से समस्त विद्यार्थी और स्टाफ से मौजूद हुआ और अपने सुझाव प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत। लंबी अहिर की सरपंच नीरू यादव ने कौन बनेगा करोड़पति में लिया भाग, जीते 6,80,000 रुपये। सूरजगढ़ विधानसभा की ग्राम पंचायत लंबी अहिर की सरपंच ने कौन बनेगा करोड़पति शो में पहुंचकर 6,80,000 रुपये का नगद राशि जीती। हॉकी वाली सरपंच के नाम से मशहूर नीरू यादव कौन बनेगा करोड़पति में बिग बी अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई। इस सीरीज में 6,80,000 रुपये की नगद राशि जीतकर सरपंच नीरू यादव ने इलाके का गौरव बढ़ाया है। केबीसी के 15वां सीजन में शेखावाटी से हॉट सीट पर पहुंचने वाली वे पहली महिला है। केबीसी में पहुंचने वाली सरपंच की बात करें तो संभवतः देश की पहला महिला सरपंच है। सरपंच नीरू यादव ने जीती गई राशि महिला सशक्तिकरण व बालिकाओं की पढ़ाई व खेल के लिए देने की घोषणा की। सूरजगढ़ क्षेत्र में पेट्रोल पंप बंद होने से परेशान हुए आमजन, 15 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी। पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने की मांग को लेकर आज पेट्रोल पंप संचालकों की ओर से 2 दिवसीय हड़ताल शुरू हो चुकी है। सुबह से ही शाम 6 बजे तक झुंझुनू जिले के सभी पेट्रोल पंप बंद है। उसी क्रम में सूरजगढ़ में भी पंप चालकों ने पेट्रोल पंप के बाहर बैरिकेड लगाकर विरोध जताया। वही हड़ताल के कारण तेल लेने आए आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इधर पेट्रोल पंप की 2 दिन की हड़ताल की खबर से शहर के पेट्रोल पंप देर रात अंजाम की भीड़ लगी रही। लोग 2 दिन का जुगाड़ करने में जुटे रहे, देर रात तक पेट्रोल पंप पर वाहनों पर कतार लगी रही। झुंझुनू पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के महासचिव ने बताया कि अन्य राज्यों की अपेक्षा राजस्थान में पेट्रोल एवं डीजल पर वेट अधिक है, जिसको लेकर विरोध जताया जा रहा है। लड़ाई नहीं है, आम जनता ही लड़ाई है। आम जनता इसे बिल्कुल त्रस्त है। जो बॉर्डर पे जो पंप है, ये हरियाणा बॉर्डर पे लगते हुए, गुजरात बॉर्डर पे लगते हुए, यूपी बॉर्डर पे लगते हुए, सभी पंपों की दयनीय हालत ऐसी हो रही है कि वो आज के दिन कर्जा लेके अपना पंप चला रहे हैं। और जो भी ग्राहक हैं, जो भी यहाँ के हमारे जो लोकल ग्राहक हैं, जो हमारे बॉर्डर से लगते हुए 50 किलोमीटर की दूरी के जितने भी पंप हैं, वो सभी उनकी बुरी हालत है। वो सभी पंप अपना कर्जा लेके काम चला रहे हैं। अब ये काम कितने दिन चलेगा ये तो हमें भी नहीं पता है। हम ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। राजस्थान गवर्नमेंट हमारा वेट पड़ोसी राज्य के बराबर करे, पंजाब के बराबर करे, हरियाणा के बराबर करे, यूपी के बराबर करे, जिससे हमारी आजीविका भी चल सके। और जो ये जो किसान लोग हैं और जो बड़े बड़े जो ट्रांसपोर्टर हैं, वो दूसरे राज्य से तेल न लें। और हम आपको आश्वस्त करते हैं, अगर गवर्नमेंट वेट कम करेगी तो गवर्नमेंट को राजस्व का कुछ भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि उल्टा बेनिफिट होगा। क्योंकि जो ही रेट कम होगी, जो ही वेट बराबर होगा, तो राजस्थान में बिक्री डबल हो जाएगी। आज जो हम 100 केल बेच रहे हैं, इसी जगह हम यहाँ 300 केल बेचेंगे। सूरजगढ़ विधानसभा के मतदान केंद्रों का जिला कलेक्टर व एसपी ने किया दौरा, विधानसभा चुनाव को लेकर लिया निरीक्षण। आगामी विधानसभा चुनावों के निरीक्षण को लेकर आज झुंझुनू के जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशाल यादव व एसपी श्याम सिंह सूरजगढ़ विधानसभा के मतदान केंद्रों ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने
हरियाणा बॉर्डर स्थित चेक पोस्ट और मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। सर्वप्रथम जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशाल यादव व एसपी श्याम सिंह हरियाणा बॉर्डर के बुहाना क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर करते हुए मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान डीएसपी गोपाल सिंह ढाका भी साथ मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने बताया कि आगामी चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान व पुख्ता इंतजाम करने के लिए निरीक्षण कर मतदान केंद्रों का जायजा लिया जा रहा है। खेतड़ी में कॉलेज में छात्र संघ प्रत्याशी रहे युवक को बदमाशों ने दी जान से मारने की धमकी। मामला दर्ज कराने के लिए 3 दिन से लगा रहे थाने के चक्कर, ग्रामीणों ने जताया विरोध। खेतड़ी के स्वामी विवेकानंद राजकीय कॉलेज में छात्र संघ प्रत्याशी रहे युवक को बदमाशों ने फोन पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। पीड़ित पिछले 3 दिन से थाने में रिपोर्ट देने के लिए चक्कर लगा रहा है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होने पर आज ग्रामीणों ने थाने में सामने विरोध जताया। ग्रामीणों ने विरोध को बढ़ते देख पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट लेकर आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही। गाडरटा पंचायत की डाणी सामणवाली निवासी संजय कुमार सैनी ने बताया कि वह खेतड़ी के स्वामी विवेकानंद राजकीय कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, जिससे पिछले वर्ष छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा था लेकिन हार गया। वह पिछले काफी समय से छात्र संगठन SFI से जुड़ा हुआ है तथा तहसील अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा है। युवाओं की ओर से छात्र संघ चुनाव को लेकर तैयारी की जा रही थी, लेकिन सरकार की ओर से छात्र संघ चुनाव होने से वह कॉलेज के युवा साथी की मदद करता है। उसके साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे विक्रम सिंह से कुछ दिन पहले अनबन हो गई, जिसको लेकर 10 दिसंबर को उसके पास एक अनजान नंबर से फोन आया और अपने आप को होली स्ट्रीटर बताते हुए जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने बताया कि उसे पूर्व में भी कई बार धमकियां मिल चुकी है। इसके अलावा विक्रम सैनी 5-7 लोगों के साथ गाड़ी में सवार होकर उसके घर आता है और जान से मारने की धमकी देते हुए झुंझुनू में छात्र नेता राकेश झाझड़िया की हुई हत्या का हवाला देते हुए ठिकाना लगाने देने की धमकी दी। धमकी मिलने के बाद वह थाने में रिपोर्ट देने के लिए पहुंचा तो पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने थाने के सामने विरोध प्रदर्शन कर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। थानाधिकारी सरदार मल यादव ने बताया कि संजय सैनी की ओर से धमकी देने की रिपोर्ट दी गई, जिसकी जांच करवाई जा रही है। यदि ऐसा मामला पाया जाता है तो पुलिस की ओर से प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। वही रिपोर्ट दर्ज नहीं होने से ग्रामीणों में भी काफी आक्रोश है और आज बुधवार को थाने के सामने ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। पचेरीकला पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, मोटरसाइकिल भी हुई बरामद। झुंझुनू जिले के पचेरीकला पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। थाना अधिकारी रणजीत सिंह ने बताया कि झुंझुनू SP श्याम सिंह के निर्देशन में विशेष टीम का गठन किया गया। मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि मोटरसाइकिल के आरोपी बाजार में घूम रहे हैं, जिस पर पुलिस ने थाना अधिकारी रणजीत सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया। मुखबिर की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 आरोपियों जयदीप दाहल पुत्र जयकरण निवासी बिसाऊ व रजनेश पुत्र राजेंद्र प्रसाद निवासी नावता को गिरफ्तार किया गया। वही पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चुराई गई मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया। थाना अधिकारी रणजीत सिंह ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। मोटरसाइकिल चोरी की अन्य वारदातों का खुलासा होने की भी संभावना है। वही कार्रवाई में कांस्टेबल अमित का विशेष योगदान रहा। नानूवाली बावड़ी में कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का लीकेज पाइप को किया दुरुस्त, खबर का हुआ बड़ा असर। खेतड़ी उपखंड के नानूवाली बावड़ी में खबर का बड़ा असर देखने को मिला, जहां पर ग्राम पंचायत में कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का पाइप लीकेज होने से 1000 लीटर पानी व्यर्थ बह रहा था, जिसकी खबर को प्रमुखता से दिखाया गया, जिसके बाद जिम्मेदारों को कुंभकर्णी नींद से जगाकर इस ओर ध्यान आकर्षित करवाया। खबर के बाद नींद से जागे जलता विभाग के अधिकारी व कर्मचारी ने इसे तुरंत ठीक कर पेयजल सुचारू रूप से किया। गौरतलब है कि क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को ठीक करवाने को लेकर ग्रामीणों की ओर से परियोजना के अधिकारियों को अवगत कराया गया था, लेकिन विभाग के अधिकारियों के कान तक जू नहीं रही। वही खबर के बाद जलदाय विभाग के महकमे में दिन भर इसको लेकर हलचल रही। वही तुरंत मौके पर अधिकारी व कर्मचारियों को भेजकर पाइपलाइन को दुरुस्त कराया गया, जिससे 1000 लीटर पानी व्यर्थ बहने से रुका। वही ग्रामीणों ने बताया कि आए दिन ऐसी घटना होने से पानी बर्बाद हो रहा है। बबाई में ग्रामीणों ने CM सलाहकार व विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह का किया नागरिक अभिनंदन। रिको औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होने से लोगों को मिलेगा रोजगार। बबाई में ग्रामीणों की ओर से CM सलाहकार व क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह का नागरिक अभिनंदन समारोह किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह रहे। विशिष्ट अतिथि में पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष गोकुलचंद सैनी, रामेश्वर लाल थे।
जबकि अध्यक्षता कैप्टन रतिराम ने की। इस दौरान विधायक ने उपस्थित लोगों की समस्या सुनकर उनका मौके पर निस्तारण किया। कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बबाई में रिको औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया गया है। रिको औद्योगिक क्षेत्र से राज्य सरकार की अनेक कारखाने स्थापित होंगे, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इस दौरान विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डाणी पांच वाली, डाणी डबाला, लोहार बस्ती व बबाई में लोगों की समस्या भी सुनी। लोगों में रहने के लिए जमीन आवंटन करने व परिवार को पट्टा दिलाने व पानी की व्यवस्था करने की मांग की।